दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन में हुई 1,70,00,000 की डकैती के मामले में जीआरपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस गिरफ्त में आए इस वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड ने मैं अपना जुर्म कबूल लिया है और आरोपी ने पुलिस को बताया कि ये रकम हवाला की थी जो स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से मुंबई भेजी जा रही थी। आरोपी जब्बा राम ने बताया कि पहले भी इस तरह से हवाला के करोड़ रुपए नरपत के साथ मिलकर भेज चुका है और डकैती में शामिल फरार चल रहे आरोपी नरपत मास्टरमाइंड का रिश्तेदार है। उसने ही जब्बा राम के साथ मिलकर हवाला की साजिश रची और जब स्वराज एक्सप्रेस से मुंबई निवासी गौतम शाह इस रकम को लेकर जा रहा था तभी कोटा के पास नरपत तार सिंह और दूसरे साथियों ने यह रकम लूट ली। कोटा जीआरपी थानाधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि जबरा राम ने ही ये रकम गौतम को मुंबई ले जाने के लिए दी थी और रकम हवाला कारोबार से जुड़ी होने के मामले के फरियादी गौतम ने भी पुलिस बयानों में पल्ला झाड़ा था। ये मास्टरमाइंड एक्चुअली जो नरपत है जो भी फरार है उसका ये रिश्तेदार है और ये मास्टरमाइंड है वहाँ दिल्ली में रह के स्क्रैप का काम करता था। तो इसका जो सेठ है वो कोई मुंबई में रहता है। इसने ये बताया कि साहब दिल्ली में उसके आदेश के अनुसार जगह जगह से माल कलेक्ट करके और उनको ये शिपिंग करवाता था, पैक करवाता था और वहाँ से बिलिंग वगैरह ये करता था। तो उसका पैसा ये उत्तम कुमार के जरिए भिजवाता था जैसा कि वो सेठ ये बता रहा है अपने पूछताछ में, और इससे जानकारी उत्तम कुमार की इससे हुई थी। इस जानकारी के बाद में जब ये काम करने लगा तो नरपत जो कि इसका रिश्तेदार है वो इसके पास 15 दिन के लिए आया था। तो जब ये पैसे वगैरह इकट्ठा करके उसको देने जाता था तो वो साथ में रहता था। तो उत्तम कुमार चूंकि नरपत को जानता था इसलिए घटना वाले दिन नरपत दूसरे डिब्बे में था, उसके सामने नहीं आया। तो ये बात सही है कि उत्तम कुमार ने इस मुलजिम को जबरा राम को जिसको ये कल लेके आए हैं हमने रात को गिरफ्तार किया था इसके टच में था वो शुरू से।